हे गाइस, वेलकम टू माय एक और नया व्लॉग। राम राम भाई सब ने। पिछला व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया था, आपके कमेंट आए थे कि मैम एक और व्लॉग बनाओ। तो अभी मैं फ़िलहाल जब तक भाई मामा के घर आऊँ ये व्लॉग बनाऊँगी। वीडियो थोड़ी सी आड़ है, मतलब इम्पॉसिबल है बनानी। अब मैं आपको एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल दिखाने वाली हूँ जो कि हमारे यहाँ भी नया नया ही बना है। तो प्लीज़, मेरे मामा ने इस पर बहुत पैसा लगाया, बहुत पैसा खर्च कराया है, अंधाधुंध पैसा इस पर बगा दिया गया है। तो मेरे बिल्कुल सामने है, एग्जैक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये आप देख सकते हो, ये हमारा स्विमिंग पूल है। वहाँ से हम तैर के आते हैं और ये किश्ती खड़ी कर रखी है दरवाजे के बाहर। उड़े तो तैर काम है वहाँ, किश्ती उरेन तो उरेन उरेन तो उरेन, और फिर हमने आड़ा छोड़ा है भाई। पूरी रात राम जी बहुत करड़ा वर्षा है, मतलब ईब की बार बारिश, भूकंप और कोरोना तो था, मतलब वो तो है। खैर बीबी ये फिलहाल वैक्सीन काट दी है कोरोना की, नई बात सुनने में आई है। तो देखो अब हमारे तक बईवा वैक्सीन कद तक पहुंचेगी, हमने कद मिल लगी और हम कद आज़ाद होंगे, पहले की तरह घूम पाओगे। अभी फिलहाल फिर हम अपना व्लॉग देखते हैं कि हमारे व्लॉग में क्या क्या हो रहा है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, मैं आपकी दोस्त, मैं आपकी होस्ट, मैं आपकी, बाकी भाई शब्द ना पा रहे, अपने आप रिक्त स्थान भर दिया है, भर लियो जो भी भरना हो। तो मैं आपकी राखी लोचब। तो आइए अभी क्या क्या हो रहा है व्लॉग में देखते हैं। ये दो दिन पहले की फुटेज है जब तक कोरोना की दवाई नहीं आई थी। कोरोना की दवाई काट देने पे भी तो पर टाइम ना लग पाए ना इसने भाई, बेबी ने, बेबी नाम है इसका, मतलब थोड़ा टाइम ना लाग पा रहा ना, तो कोरोना की दवाई काट देख यार रे, बड़का की थोड़ी बहुत ही वो कर दे यार, टाइम काट थोड़ा सा, हाँ वो इतना हिम्मत करनी पड़ेगी बेबी। तो गाइस जल्दी हम कोरोना की दवाई लेके आ रहे हैं आपके सामने, थोड़ा सा सबर कीजिए बस। और फिलहाल भाई दो फारी के क्या बज रहे हैं, साढ़े चार होने वाले हैं, चाह बन लाग रही है। अरे मेरी नानी आंडा उरेन तपरेन चोटी बांध के नानी नु का चाह बना दो, ये छोरी हो तुम कुछ ना करती। वहां आ गई मेरी नानी, हाय नानी कार पकड़ी होगा ना चले मैं। तो गाइस चलो नानी से बात करेंगे, चलो भाई देखते नानी के, पूछेंगे दुख सुख की, चल कुछ बतला ले, थोड़ा सा स्वाद ले ले हम भी। पीली नानी चाय आई ना, इतनी नीलाम में बाल क्यों कर रहे हैं मेरे बेटा, मन तो क्यों भी ना कर हैं बेटा, ये मेरे न्यू मुल्तान ही तो दो शैम्पू का तेल लगाओ, ईव तो मैं की तो दो शैम्पू तो आई तो शैम्पू तो दो, मैं तो उसको दवाया करो क्लिनिक प्लस के दे, मैं तो तकरीबन दियो रहा क्या देव कड़ा कड़ा ये बाल गए ले आकर उन लोग आई की हॉल लो अर्बल मेहंदी नहीं आ मेहंदी ना वो शैम्पू कौन सा है बहुत मजा आ रहा होगा। लेकिन अब आगे का व्लॉग देखने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ कि भाई इस लॉकडाउन ने हमें कितना कुछ सिखाया है, हमें कितना सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, हमारी कम खर्चा करने की आदत बनाई। तो क्यों ना अगर हमने अपनी कम खर्चा करने की आदत बना ही ली है तो इस पैसे को हम आज से ही कल के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करें, जिसके लिए बहुत अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड। इसमें आप अपने बचे हुए पैसे निवेश करके भविष्य के लिए जमा कर सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो कि है अपस्टॉक्स ऐप, जिसमें हमारे रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। ये आपको देती है 2000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड के लिए ऑप्शन, और आप इसमें 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। है ना कितनी कमाल की ऐप, मतलब एक मूवी टिकट के पैसे जितने अमाउंट से भी आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड से आप अपना अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है, जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कभी भी इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। तो चलते हैं हम अपने व्लॉग पे, वहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है वो देखते हैं। ईव जाओ है भाई, हम मॉल में शॉपिंग करें। भाई मास्क मुस्क पहन के निकली हो, चाहे गाड़ी में हो चाहे बाइक पे, ना तो चलान काट लेंगे मम्मा जी जी, ना अति चलानी रहने दे ए बेबे।
भाई पालना लेना आया लल्ला के छोरे का, और पालना चाहिए छोरे ने इलेक्ट्रिक वाला पूरी सेफ्टी के साथ। थोड़ा सा चेहरा देख लो मेरा। तो पूरी सेफ्टी के साथ आए हैं मॉल में हम, तो भाई उसे पालने में झूल रहे हैं जो नॉर्मल पालना होया करता। हमारी नानी भेजा करती। हाँ लेकिन अभी देखो आज अब पहली बार मैं इलेक्ट्रिक पालना लेने जा रही हूँ, मगर भाई कुछ तो गिफ्ट देना है तो इसीलिए देख लो भाई दुनिया किसी बदल दिया कोरोना ने, सब मास्क लगाए घूम रहे हैं मॉल में। और भाई मैं तीन क्या मतलब, और भाई मैं 6-7 महीने बाद मॉल में आई हूँ, मतलब लॉकडाउन जब से खुला है तो अभी थोड़ा बॉर्डर लाग रहा है कदे कोरोना ना आ जाए, लेकिन सेफ्टी बरत रहे हैं तो तुम भी कहते जाओ बार बार तो सेफ्टी के साथ जाना, इन चाइना आना सारा ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके दर दी, अपने आप तो मास्क लाया करते पूरी दुनिया तो लगा दिए। ये रॉकर है, ये सिर्फ नॉर्मल है, ये ऑटोमेटिक आपका स्विंग करेगा। कितने का बताया? 16,000 16,000 का एक 16,000 का जब प्याले भी ना दे 16,000 का पालना ना लूं मैं तो कि और देखा है कि दूसरी जगह मिल जाता है। मेरा तो भाई सास भूल गया ही मास्क में, आगे डो लगाऊंगी नेलर पंप मारे जा सास लिए जा। क्या कर रहे मैंने बोली मैं झूल के देखूंगी मैं कितना दूर है। ऐसे बोल अरे गिरने का डर तो नहीं है इस पे? अब बेल्ट लगा लेंगे गिरने का डर नहीं होगा ना, बेल्ट दे रखी है। एक लगा धड़ाका लगा भाई मारे भाई का। नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो गिफ्ट करना है बेसिकली, मतलब हाँ मेरा वो ये क्या है मेरा भतीजे के लिए यहाँ जिंदगी होगी कोई मेरी, मतलब मैं बड़का ही पाड़ ने खरीदती हूँ तो सोच सको मतलब कितना गहरा असर हुआ लॉकडाउन का जमा की न सलगी। तो जुड़ी बेबी से पाड़ ले महसूस होता रहेगा देखेंगे लुटा के छोरे ना किसा लग गया किसा झूला है हमारे घर में रिवाज है घर में गए मतलब हमारे कहना अगे एक सेट मतलब ईसा ले लेंगे 2-3 साल बड़ा अब कोई 2-3 साल की चाहिए ये तो भाई ये तक क्या हो गया ओ तेरी को ये कितनी प्यारी है मेरी माई ये की ड्रेस तो बड़ी है कोई साइज
का कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और भाई इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। कितनी बार कहा होगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जीते रहो, मौज काटो, ऐश लो, बाय बाय। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।